हट ना सुबह के 3:30 हो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, सुबह का रख देने जाना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बहुत खाना बनाऊँगी, मतलब थोड़ा बहुत तैयारी करके जाऊँगी, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आने से वहाँ पे मन नहीं करता है बनाने का। मुझे लगता है सब कुछ चले जाएंगे, उसके बाद ही मैं पीछे से जाऊँगी रेडी होके 5 बजे से, तब तो मैं बना ले, खाना बनाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आज का अरग आखिरी अरग है, 3 दिन से इतनी थकावट हो गई है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। सर सुबह के ना ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 तो बज ही गए थे, सब कोई चला गया था, तो मैं फुली लेट हो रही थी, मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मुझे घर का काम करना था और सब्जी बना के जानी थी। क्या होता है कि जब आप थोड़ा बहुत करके जाते हो ना, फिर वहाँ से आके करते हो ना, तो उतना मेहनत नहीं पड़ता है। और मेरी देखिए प्लेट्स भी ठीक से नहीं बनी, तो मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, मम्मी बोल रही थी कि नहीं आके बुला लेना, आके बुला लेना, मैं भी नहीं, मैं बना के जाऊँगी। और मैं पहली बार ऐसे छठ में थी, पिछले साल तो मैंने नहीं बनाया था, मेरी देवरानी बनाया था, क्योंकि मेरा छोटा बाबू था उस समय, वो शायद 3 महीने का था पिछले बार में, तो मैंने कुछ नहीं किया था, बट अभी तो मुझे करना था ना भाई, बहू है तो बहू की फर्ज तो निभानी ही पड़ेंगे ना, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप बस मुंह उठाओ और चले जाओ। तो यहाँ पर मैं रेडी भी हो रही थी क्योंकि यार इतने सारे लोग आएंगे, और साथ ही साथ मुझे लेट भी हो रहा था, तो घर में सिर्फ दादी जी थी, दादी जी नहीं गई थी वो, क्योंकि उनकी उम्र हो गई ना तो वो नहीं गई थी, और मेरी दादी सास हैं, 5 सासू माँ हैं, तो सबको जब वीडियो में आगे आएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आपसे बात रेडी होगी और जा रही हूँ, हस्बैंड भी आ ही रहेंगे, ठंडा आ गया, चलो चलो चलो। अरे हाँ गेट तो बंद है मेरी दादी जी। देखो मैं आपके आने से पहले निकल गई ना घर से, किसकी वाइफ वाला हूँ, मेकअप मार रही है, तो चली गई, खड़ी रही, मैं मेकअप मार रही थी, लेकिन ये नहीं बोलेगा खाना बना रही थी, नहीं खाना बना बोल रहे, तुम्हारा तारीफ नहीं हो जाएगा। हाँ मेरे को तो पैर इतना लग रहा है। सो फाइनली मैं घाट पे आ गई हूँ, तो यहाँ पर सब कोई मेरी सासू माँ बैठी हुई, मेरी 5 सासू माँ हैं, 1 चाची सास है, मतलब बहुत अलग है, बट अपनी 5 सासू माँ हैं जो बैठी हैं, पीछे मेरी सासू माँ बैठी हैं जो मेरे पीछे बैठी हैं, बगल में भी सासू माँ ही बैठी हैं। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम सब बैठे रहते हैं, गीत गीत गाते हैं, तो ऐसा होता है अब लगता है कि सूर्य देवता निकल चुके हैं, और मैं यहाँ पर खड़ी पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ तो कर रही थी, कुछ तो कर रही थी, दिया विया जला रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यार, इतनी भीड़ थी ना कि इस भीड़ में मतलब एक दूसरी की आवाज़ तक तो सुनाई नहीं दे रही थी, मैं चुपचाप पीछे गई थी। मेरी 2 सासू माँ आगे ना पानी में जाके अरग दे रही थी, और मेरी जो सास है उनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, तो वो सीढ़ी पर ही अरग दे रही थी। ऐसे करके लेके दे रहे हैं।
सो अर्घ देने के लिए ना सबसे पहले हाथ में ना उपटन लगाया जाता है, अपटन बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसके बाद पान लिया जाता है, उसके बाद अर्घ दिया जाता है। तो मम्मी वही कर रही थी इसलिए मैं लेके खड़ी थी। इस पर करने मैंने रील डाला था, शॉर्ट्स डाले थे, बड़े अच्छे उस पर व्यूज़ आए थे। और आप अगर अपने शॉर्ट्स या इसके वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो सेक्शन में जाके देखिएगा। यहाँ मेरा क्यूटी पाई बेटा वो भी था, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पूरे मेरे देवर भी हैं और एक दो लोग कोई और भी है। हम सब मिलके मम्मी को अर्घ दे रहे थे। कहते हैं कि ये चीज़ शुभ होती है, देनी चाहिए। पीछे भी देवर हैं, एक और भी है, मतलब बहुत सारे देवर मेरे, मतलब एक वीडियो में बताना तो मुश्किल ही हो जाएगा। यहाँ पर पूजा ऑलमोस्ट हो गई है तो घाट पे जाने से पहले सबके आशीर्वाद लेते हैं, सबसे प्रसाद लेते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं नोज़ पे से। तो ये नोज़ पे का जो सिंदूर होता है ना, मैं बहुत ही रेयरली लगाती हूँ, मतलब स्पेशली छठ में तो लग ही जाता है, बाकी कभी नहीं लगता है, ना के बराबर ही लगता है। यहाँ पर जो ये रेड कलर की साड़ी, जिसको हर कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो फाइनली अब हम लोग घर जाएंगे। जा रही हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि अभी दाल और चावल और पकोड़े बनाने बाकी है। और ये पीला वाला सिंदूर ना सच में कभी कोई बहुत अच्छा लगता है, कभी क्या हमेशा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, नॉर्मली मैं रेड नहीं पहनती। तो चलिए चलते। तो ये मेरे यहाँ छठ का खाना बना था, पारण के दिन का खाना जो मैंने बनाया था, पारण करके मतलब वहाँ से घाट पे से आए थे। तो कढ़ी, उसके अंदर पकौड़ी और उसके बाद आलू गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने, और सबने बहुत तारीफ़ की। मैं तीनों सासू माँ को जितना हो सके अपनी तरफ से किया और खिलाया और उन लोगों का मन खुश हो गया। यहाँ पर फाइनली मैं एक ठेकवा लेके खा रही हूँ, और खा के मुझे लगता है पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बहुत ज़्यादा छठ में बिजी थे। और यहाँ पर अंश की बदमाशी देख सकते हैं, सारे वॉल्स पेपर्स के जितने भी बोर्ड से सब निकाल दिया है। तो आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।